कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर कलयुग वरद हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कलयुग के पतित युग में हमेशा भक्तों के करीब रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका सी न्यूज भारत में। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा, और आप खुद ये सवाल पूछेंगे कि आखिर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक होगा। दरअसल विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में बीफ, फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति के प्रसाद को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप से राजनीति गर्मा गई है। आंध्र के सीएम ने विधायक दल की बैठक में एक ऐसा दावा किया है और बताया है कि तिरुमाला लड्डू में घटिया चीजों का इस्तेमाल हुआ है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं में इन चीजों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। टीडीपी प्रवक्ता ने लैब रिपोर्ट तक दिखाई है जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टैलो मिला है। अब ये क्या होता है और इस मुद्दे पर कैसे राजनीति गरमाई और आस्था पर कैसे सवाल उठे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता, कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में। जी हाँ, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका और शायद किसी के बस की ये बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति धाम, जहाँ करोड़ों लोग पहुँचते हैं और भगवान वेंकटेश को पूजते हैं। बता दें कि बाबा वेंकटेश भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक है। वहीं अब इस मंदिर को लेकर बवाल मच गया है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के उपयोग को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला ने मिलावट की पुष्टि की है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमना रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लैब रिपोर्ट दिखाई जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टैलो की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। हम कुछ आपको और बताएं, उससे पहले ही जान लीजिए कि आखिर बीफ टैलो होता क्या है। दरअसल मुख्य विवाद बीफ टैलो के उपयोग को लेकर हो रहा है। ये घटक रंप रोस्ट, पसलियों और स्टेक जैसे बीफ के टुकड़ों से निकली चर्बी होती है। इसे मांस से निकाले गए शुद्ध फैट को पिघलाकर बनाया जाता है, जो ठंडा होने पर एक लचीले पदार्थ में बदल जाता है। ये कमरे के तापमान पर रखने में नरम और मक्खन एकदम घी जैसा लगता है। अब कहा जा रहा है कि इसी चीज का इस्तेमाल तिरुपति धाम के लड्डू बनाने में किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रबाबू नायडू की ये टिप्पणी कि उन्होंने सीएम के रूप में लड्डू प्रसादम में घी के बजाय पशु तेल का इस्तेमाल किया, तिरुमाला की पवित्रता और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव वेंकटेश को कलंकित किया है। हम सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांग करते हैं, यदि आपके आरोपों में कोई राजनीतिक आयाम नहीं है, यदि भावनाओं का राजनीतिकरण करने का कोई इरादा नहीं है, तो तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें या फिर सीबीआई से जांच कराएं। इस पूरे मसले में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो होश उड़ा देंगे। स्वाद और गुणवत्ता को बहाल करने के लिए टीडीडी के उपयोग के सुझाने के अलावा समिति ने एनडीडीबी के गुजरात को घी के नमूने भेज दिए हैं। जुलाई में जारी प्रयोगशाला रिपोर्ट ने लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि की है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर लैब रिपोर्ट में क्या कहा गया। लैब रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों में लार्ज यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित चीजों का खुलासा हुआ है। मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। लड्डुओं की सैंपलिंग 9 जुलाई 2024 को की गई थी। प्रयोगशाला रिपोर्ट 16 जुलाई को सामने आई थी। बता दें कि तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जाता है। रोज 3 लाख लड्डू प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। लड्डुओं में बीफ की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। ये सब कुछ उस घी में मिला है जिससे लड्डू तैयार किए जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न सिर्फ श्रद्धालुओं को बांटा गया, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाए जाते रहे हैं।
देखा जाए तो अगर ये दावे सच है तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इन चीजों का इस्तेमाल आस्था के साथ खिलवाड़ जरूर है। इस खुलासे के बाद लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस जानकारी के सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस साल की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी तिरुपति के लड्डू भेजे गए थे। दरअसल उस वक्त मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इस उत्सव को और खास बनाने के लिए प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने 1,00,000 छोटे लड्डू अयोध्या भेजने का फैसला किया है। फिलहाल ये पूरा मसला जा चुका है। ऐसे में इस मामले में कब कैसे जांच होती है और क्या निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।